वैद्यराज, आप मात्र मुझे इतना बता दीजिए कि ये संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ? उसे कल सूर्य उदय से पूर्व लाने का दायित्व मेरा। यहाँ सबसे समीप उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत पर ये बूटी प्राप्त होगी, परंतु इतने शीघ्र हिमालय तक जाकर वापस आना असंभव है। जानकी नाथ का कौन सा कार्य असंभव होता है वैद्यराज? यदि ये जीवन प्रभु श्री राम के काज ना आ सके तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। किंतु वैद्यराज, वहां तो बहुत सारी बूटियां होंगी, मैं संजीवनी बूटी को कैसे पहचानूंगा? हनुमान, जिसके कांति से प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा वही संजीवनी बूटी होगी। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, अब तुम ही मेरे लक्ष्मण के प्राणाधार, अति शीघ्र लौट कर आ। राम चरण सरसी जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। चले पवन सुत शीश नवाई, राम सभा में आशा छाई। किस दिशा में? इस दिशा में है कि उस दिशा में? कहीं भी दिशा तो नहीं भटक गया। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम। इस निखंड और एकांत वन में भी प्रभु श्री राम का नाम कौन ले रहा है? जय सिया राम,
निश्चय ही ये राम भक्त मुझे हिमालय जाने की सही दिशा बता सकता है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया 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 राम। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। मुनिवर, आप तो अत्यंत ज्ञानी और ध्यानी संत प्रतीत होते हैं, किंतु मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं, फिर आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? हनुमान, सिद्धि साधक अपने योग साधना से इस संसार में कब, कहां, क्या घटित हो रहा है सब ज्ञात कर सकते हैं। इस समय प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के युद्ध भूमि में मूर्छित होने के कारण अत्यंत दुखी हैं, और तुम उनका दुख मिटाने के लिए बूटी लाने हिमालय की ओर अग्रसर हो। मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको यहां बैठे बैठे ही सब कुछ ज्ञात है। पवन पुत्र, आप हमें बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मुनिवर, आपको तो ज्ञात हो ही गया होगा कि मुझे दिशा भ्रम हो गया। आप मुझे हिमालय जाने की सही दिशा बता दी। अवश्य हनुमान, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए तुम्हें इस दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। आपको हिमालय के दर्शन अवश्य होंगे। आपका बहुत बहुत आभार मुनिवर। आपका कल्याण हो। रघुनंदन श्री राम, लक्ष्मण के शरीर में बहुत कम प्राण शेष है, अगर समय से इन्हें संजीवनी बूटी ना मिली तो अनर्थ का होना निश्चित है। तू संजीवनी लेने जा रहा था ना, अब ना तू बचेगा और ना वो सन्यासी लक्ष्मण। जय श्री राम। हनु ने काल ने मी संहारा, चले राम नाम उच्चारा। प्रभु श्री राम के कार्य में जो भी बाधक बनता है उसका यही परिणाम होता है। इस निशाचर कालनेमी ने मुझे अवश्य ही उत्तर दिशा से विपरीत दिशा बताई होगी। इसका तात्पर्य है कि उत्तर दिशा इधर है और इसी ओर हिमालय होगा। जय श्री राम। यदि मुझे पता होता कि युद्ध में तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करता। लक्ष्मण, पिताजी का वचन मानकर मैं वनवास आया था, किंतु यदि मुझे लेश मात्र भी आभास होता कि इस वनवास में मेरा मेरे सबसे प्रिय भाई से वियोग हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ
आने की आज्ञा नहीं देता लक्ष्मण, मैं कभी आज्ञा नहीं देता तुम्हें। नहीं प्रभु श्री राम, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान बूटी लेकर आते ही होंगे। लौट कर जब अयोध्या को जाऊंगा, सुमित्रा माँ को क्या उत्तर दूंगा मैं? क्या कहूंगा माँ के कई से, माँ कौशल्या से? कौन सा मुख दिखाऊंगा मैं? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जो 14 वर्षों से इसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है, सब यही कहेंगे कि मैंने अपने स्वार्थ के युद्ध में अपने भाई को खो दिया, मैं रक्षा नहीं कर पाया अपने भाई की। चले पवन सुत शीश नवाई, राम सभा में आशा छाई। पीते क्षण क्षण समय निरंतर, पहुँचे हनुमाना पर्वत पर। देखी हिमालय शोभा माया, हनुमान के समझ न आया। करें वनस्पतियां अगुवानी, लखी न पावे कपि संजीवनी। संजीवनी कौन सी है? तभी का रंग भी एक ही समान दिखाई दे रहा है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जय श्री राम। सर में पर्वत उठा लिए निज कर में। चले द्रोणगिरी भुजा उठाई, धन्य धन्य तेरो भक्त रघुराई। काल की वेला आने वाली है, किंतु महावीर हनुमान नहीं लौटे, ना जाने कहां रह गए। We'll be right back.
के संधि अंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर हनुमान आ गए। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू उर लक्ष्मण के तब प्राण तज सुत रावण मारो गृह वैद्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो आनी सजीवन हाथ तई तब लक्ष्मण के तुम प्राणु बारो को नहीं जानत है जग में ये क्या कपि संकट मोचन नाम समस्त पर्वत ही ले आए। हाँ वैद्रा, संजीवनी बूटी और अन्य बूटियों को देखकर मैं भ्रम में पड़ गया था। सभी बूटियों में एक ही प्रकार की आभा विद्यमान थी, इसीलिए मैं पर्वत ही ले आया। संजीवनी बूटी हर श्री राम भेटे उ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाय नेत्र खोलो लक्ष्मण उठी बैठे लक्ष्मण लक्ष्मण नेत्र खोलो लक्ष्मण हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता हर्षे सकल भालु कपि ब्राता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।